इस वक्त हमारे समक्ष है रविंद्र सिंह भामरा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा की गढ़ को उध्वस्त करने में आज जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है श्री वंजारी जी, अभिजीत वंजारी जी, वो विजयश्री हासिल किए पदवीधर मतदार संघ में, क्या आपकी भावना है उस बारे में? मैं आपके मार्फत सबसे पहले डॉक्टर एडवोकेट अभिजीत वंजारी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत कुछ 18,000 वोटों से जीत करके एक विरोधी पक्ष बीजेपी सत्ता को, बीजेपी को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और उस जवाब में उन्होंने कांग्रेस को हर्षो एक ऊर्जा दी है जो मतलब है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक आने वाले दिनों में और अपने अपने काम पे भरोसा और आने वाले दिनों पर भरोसा रहेगा और अपने काम पर भी भरोसा रहेगा कि हमने सही जगह हमारी जो आघाड़ी की सरकार है हम सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। और ये एडवोकेट अभिजीत वंजारी जी का एक विजय नहीं, एक कांग्रेस को नई ऊर्जा है और नई ऊर्जा के साथ मैं सभी कांग्रेस जनों को इसका अभिनंदन करता हूं कि आगे भी हम ऐसे ही सब जैसा ये इलेक्शन सब मिलजुल करके हमने इलेक्ट किया है, आगे भी हम सब मिलकर करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में एक जल्लोष है, एक उत्साह का वातावरण है, एक संचार हो रहा है, चैतन्य निर्माण हो रहा है। ऐसे में आगे चल के 2022 में महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये युवक है कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनको क्या उपदेश दोगे? आज एडवोकेट अभिजीत वंजारी जी की विजय से सभी छोटे से बड़े जो ग्राउंड वर्क के कार्यकर्ता रहते हैं, वर्कर रहते हैं, इन सभी में ऊर्जा आई है। तो आने वाले दिनों में हमको ये उम्मीद है कि आने वाली महानगर पालिका की सत्ता भी कांग्रेस पार्टी की होगी, आघाड़ी हम अगर मिलकर होंगे तो आघाड़ी की सत्ता होगी महानगर, आने वाले दिनों में भी नागपुर में महानगर पालिका में भी हमारे कांग्रेस की सत्ता होगी। आपको लगता है कि जो सुशिक्षित जो बेरोजगार है जिनको काफी दिनों से रोजगार नहीं है, अब जबकि कांग्रेस के रूप में एक नया चेहरा मिला है, तो ये जो पदवीधर है ग्रेजुएट है उनके मुद्दे को विधान परिषद में उठा के उनको न्याय देंगे? ये एक सुशिक्षित लोगों का इलेक्शन था, एडवोकेट अभिजीत वंजारी जी का एक समझदार सोचा समझा मतदाता होता है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको उनको वोट दिया है और समझ करके ही दिया है। और जब एक सुशिक्षित बंदा जागरूक होता है तो समाज जागरूक होता है, समाज के साथ में हर वर्ग जागरूक होता है और वर्ग जागरूक समाज और वर्ग जब जागरूक होता है तो उसका रिजल्ट आप अपने आप दिखता है कि भैया कौन सा पक्ष अगर काम करता है और कौन सा